for the best medical and paramedical lectures subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us hello everyone so myself tony back with another lecture and today we will learn about disaster management so let's begin so first of all we will learn the meaning of disaster okay so disaster means that any destructive event that causes loss of human life अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द ह्यूम एंड कॉजिस फाइनेंशियल लॉस सो ये डिजास्टर क्या कहता है कि डिजास्टर जो जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करे ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट करे या फिर फाइनेंशियली कोई लॉस हो तो उसे हम कहते हैं डिजास्टर ठीक है तो जानेंगे डिजास्टर के वर्ड्स के बारे में तो डी मीन्स डिटेक्शन आई मीन्स इंसिडेंट कमाउंड सी एस मीन्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी

ठीक है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी क्या ठीक है तो अगर मीन्स कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कोई डिजास्टर होता है जैसे कि भूकंप हो गया ठीक है तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं बाद में ठीक है अगर भूकंप में कोई इंसान को इंजर्ड हो गया या फिर कोई फाइनेंशियली कोई लॉस हो गया तो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करता है तो उसे समय डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं है। फिर रिड्यूस वलनरबिलिटी ठीक है तो मीन भूकंप आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो ह्यूमन शॉक में आ जाते हैं तो उनको हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ठीक है टू कॉप विथ डिज़ास्टर ठीक है तो ये सब हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में ठीक है अब हम जानेंगे द एम्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तो फर्स्ट है टू सेव एज मनी लिव एज पॉसिबल बाई प्रोवाइडिंग बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर अंडर दोज सरकम स्टैंसिस तो डिजास्टर मैनेजमेंट विल कम वैन डिजास्टर विल अकर ओके वो आ, पहले से ही पहुँच जाते जहाँ पर डिजास्टर होता है और आ, मिस हो भी गया तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एज मैनी एज पीपल पॉसिबल वो जान बचाते हैं और उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं ठीक है देन प्रिवेंट द डिज़ास्टर ठीक है डिजास्टर को प्रिवेंट करना चाहिए हमें देन मिनिमाइज कैजुअलिटीज़ जो कैजुअलिटीज़ हो उनको मिनिमाइज़ करता है डिजास्टर मैनेजमेंट देन प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज़ ठीक है देन रेस्क्यू द विक्टिम्स जो भूकंप में जो मींस इंजर्ड हो गए या फिर उनको मीन्स फंस गए तो उनको बचाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट देन रेस्क्यू द विक्टिम्स फर्स्ट एड उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं देन इवैक्युलेट देन मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं एंड रिकन्स्ट्रक्शन ठीक है रिकंस्ट्रक्शन में अगर कोई भूकंप आ गया और कोई मीन्स फैमिली का जो घर या सब कुछ टूट गया तो उनको प्रोवाइड करता है रिकंस्ट्रक्शन करता है ठीक है तो अब हम जानेंगे टाइप्स ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइप्स हैं टू टाइप्स नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर ठीक है तो फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल डिजास्टर डिजास्टर कैन बी नेचुरल और मैनमिट नेचुरल डिजास्टर इंक्लूड थॉट अर्थक्वेक्स सुनामीज फॉरेस्ट फायर लैंड स्लाइड्स मर्ड स्लाइड्स पिजार्स हेरिकेन्स टोनाड्स फ्लोड्स एंड वॉल के तो ये सब हुए नेचुरल डिजास्टर जो नेचुरली अफेक्ट होता है ठीक है अर्थक्वेक सुनामीज एक्सेट्रा अब हम जानेंगे मैनुअल डिजास्टर जो ह्यूमन के थ्रू डिजास्टर होता है तो एग्जाम्पल है केमिकल्स टॉक्सिक गैसेज एक्सीडेंट्स दैन रिसोर्स शॉर्टेज देन स्ट्रक्चरल फाइवर एंड domestic disturbance एक्सटेंट्स bomb टेररिज्म यह सब हुए मैन में डिजास्टर ठीक है अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डिजास्टर वैन एवर पॉसिबल ठीक है जब भी कोई डिजास्टर होता है तो हमें उसे प्रिवेंट करना चाहिए मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैजुअलिटी इफ़ द डिजास्टर कैनॉट बी प्रिवेंटेड कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज करना चाहिए देन प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज फ्रॉम अकरिंग आफ्टर द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ द डिज़ास्टर देन रेस्क्यू द विक्टिम्स देन प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड देन कुलट प्रोवाइड डेफिनेटली मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है देन प्रमोट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लिवस तो ये सब हुए प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है अब हम जानेंगे फेजिज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ठीक है तो फेजिज में क्या क्या आते हैं प्री इम्पैक्ट इम्पैक्ट एंड पोस्ट इम्पैक्ट ठीक है तो फर्स्ट हम देखेंगे प्री इम्पैक्ट फेज इट इज़ द इनिशियल फेज ऑफ डिजास्टर वार्निंग इज गिवन प्रायर टू द एक्चुअल अकरेंस इमरजेंसी सेंटर्स आर ओपन कम्युनिकेशन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिटी मस्ट बी एजुकेटेड तो प्री इम्पैक्ट में क्या होता है कि uh, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है कि ये प्लेस पर डिजास्टर होने वाला मीन्स जैसे कि Uh, समुद्र की जगह कोई सुनामी सुनामी आती है तो उनको पहले से पता चल जाता है वो पहले से ही रेडियो या टेलीविजन पे हमें खबर कर देते हैं कि uh, द मीनस समुद्र के एरिया में जो भी घर या फिर कोई भी इंसान होते हैं उन्हें दूर करने चाहिए तो ये हुआ प्री इम्पैक्ट फेज कि पहले से उनको पता होता है तो हमें पहले से वार्निंग देते हैं कि यहाँ से आप दूर हो जाओ क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर होने वाला है तो ये फेज़ हुआ प्री इम्पैक्ट अब हम देखेंगे सेकेंड इम्पैक्ट फेज़ ठीक है दिस अकर्स एट अ टाइम ऑफ डिज़ास्टर द impact फेज continues अंटिल द थ्रेट ऑफ फर्दर डिस्ट्रक्शन हैज passed एंड द इमरजेंसी प्लान इज इन इफेक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हैज़ been established. फिजिकल एंड psychological सपोर्ट ठीक है impact फेज यानी क्या के डिजास्टर हो गया ठीक है तो तभी हमें क्या करना चाहिए तो अगर डिजास्टर होता है तो हमें क्या, क्या करना चाहिए के फिजिकल एंड psychological support सपोर्ट देना चाहिए ठीक है जैसे कि डिजास्टर हो गया ठीक है तो जो humans होते हैं उनको आ, आ, ऐसा मीन्स शॉक में आ जाते हैं तो हमें उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए ठीक है कोई ऐसा फाइनेंशियली लॉस हुआ तो ना डिजेस्टर मैनेजमेंट उनको हेल्प करता है ठीक है देन देन उसके बाद इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ठीक है मीन्स अगर आ, कोई डिजास्टर में कोई इंजर्ड हो गया या किसी को मीन्स वो हंड्रेड परसेंट मर जाए उससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करते हैं उन्हें बचा लेता है मीन्स फिफ्टी परसेंट इंजर्ड हो जाते हैं 50 पर फिफ्टी परसेंट उनकी जान बचा लेते हैं ठीक है तो ये हुआ है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तो ये सब आता है इम्पैक्ट फेज में ठीक है अब हम देखेंगे पोस्ट इम्पैक्ट फेज ठीक है डिजास्टर हो गया उसके बाद का फेज़ क्या होता है देन रिकवरी बिंग्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज एंड एंड विथ विथर रिटर्न ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर एंड फंक्शनिंग फॉर एग्जाम्पल इन दैन इम्पैक्ट एरिया दिस फेज में लास्ट अ टाइम विक्टिम्स ऑफ एट एटॉमिक बॉम ऑफ हिरोशिमा मीन्स क्या होता है कि जो जगह पर डिजास्टर हो गया ठीक है जिनके एग्जाम्पल में दिखा है कि विक्टम्स ऑफ द एटोमिक बॉम ऑफ हिरोशिमा मीन्स हिरोशिमा नाका नाकासाकी जो जापान में थे उधर जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उसकी इफेक्ट अभी तक मीन्स हो रही है ठीक है तो वो पोस्ट इम्पैक्ट बनाता है कि हम रिकवरी कैसे करते हैं ठीक है जैसे कि डिजास्टर हो गया आ, अर्थ क्यूक आया या फिर कुछ भी सुना में आया तो जो नुकसान हुआ है तो उसे हम कैसे रिकवरी करते हैं वो आता है फर्स्ट इम्पैक्ट फेज में ठीक है तो ये सब हुआ है फेज के बारे में ठीक है अब हम जानेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साइकिल के बारे में ठीक तो है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के साइकिल है फर्स्ट रिस्पॉन्स फेज आता है देन रिकवरी फेज देन मिटिगेशन फेज एंड प्रिपेरेशन फेज ठीक है ये सब ये चार साइकिल आती है डिजास्टर मैनेजमेंट में ठीक है तो हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे तो फर्स्ट साइकिल है प्रिपेरेंस ठीक है एक्टिविटी प्रायर टू द डिजास्टर एग्जाम्पल प्रिपेरेंस प्लान्स इमरजेंसी एक्सरसाइज ट्रेनिंग वार्निंग सिस्टम ठीक है तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है अगर कोई भी जगह पे मिस डिज़ास्टर आता है उससे पहले वो पहले से वार्निंग दे देते टी वी पे रेडियो पे यार इंटरनेट में किसी के वेबसाइट थ्रू वो हमें खबर करते हैं कि आप यहाँ से दूर हो जाओ क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर होने वाला है सुनामी आर्थिक या कुछ भी ठीक है वो हुआ प्रिपेरेंस फेज देन रिस्पॉन्स फेज ठीक है तो रिस्पॉन्स फेज में क्या आता है कि एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ डिजास्टर एग्जाम्पल पब्लिक वार्निंग सिस्टम इमरजेंसी ऑपरेशन सर्च एंड रेस्क्यू वो हमें वार्निंग देते हैं ठीक है थीके? फिर आ, रेस्क्यू होता है एंड रिकवरी फेज मीन्स एक्टिविटी फॉलोइंग अ डिजास्टर एक्जाम्पल टेम्प्रेरी हाउसिंग क्लेम प्रोसेसिंग या ग्रांट लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर एंड काउंसलिंग तो डिजास्टर हो गया तो फिर उसके बाद हम रिकवरी क्या क्या करते है? वो आता है थर्ड फेज रिकवरी में देन आता है मिटिगेशन एक्टिव से डेथ रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर एग्जाम्पल बिल्डिंग कोड्स एंड जोनिंग वन नंबर एनालिसिस पब्लिक एच्यूट मीन्स हमें उद, आ, जो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया उसके बाद हम उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं देन अगर कोई कोई फैमिली फाइनेंशियल लॉस होती है तो उन्हें हम फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ठीक है तो ये सब हुआ मिटिगेशन फेज में तो ये चार फेज Uh, है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिपेरेंस रिस्पॉन्स रिकवरी एंड मिटिगेशन ठीक है तो फर्दर हम देखेंगे ट्रायल कैटेगरीज ठीक है red, yellow, black, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ट्रायल कैटेगरीज फोर टाइप्स में रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक ठीक है तो रेड होता है मोस्ट अर्जेंट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी ठीक है देन येल्लो होता है अर्जेंट एंड सेकेंड प्रायोरिटी ग्रीन होता है थर्ड प्रायोरिटी एंड ब्लैक यानी डाइंग डेड ठीक है तो वन बाय वन हम देखेंगे तो फर्स्ट है रेड मोस्ट अर्जेंट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ थ्रेटरिंग इंजरी शॉक्स चेस्ट वुंड, इंटरनल हेमरेज हेड इंजरीज प्रोड्यूसिस इंक्रीज लॉस ऑफ कॉन्सनेस पार्शल और फुल थिकनेक बर्न ओवर ट्वेंटी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द बॉडी सर्फिस एंड चेस्ट पेन पोअर चांस ऑफ सर्वाइवल तो रेड uh, ट्रायल में क्या होता है कि हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते ठीक है मीस यानी कहते हैं कि इमरजेंसी में अगर कोई इंसान को शॉक आया या फिर चेस्ट वुंड है इंटरनल हेमरेज हो गया ठीक है फिर हेड इंजरी है सब कुछ हुआ बर्न होता है ट्वेंट ट्वेंटी टू सिक्सटी परसेंट बॉडी पर ठीक है तो हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते दे हैं ठीक है उन्हें हम रेड बेल्ट से बांधते हैं क्योंकि वो होता है मोस्ट अर्जेंट ठीक है देन हम सेकेंड देखेंगे येलो अर्जेंट सेकेंड प्रायोरिटी ठीक है उसमें क्या होता है कि कैटेगरीज इंक्लूड मल्टीपल फ्रैक्चर ठीक है फ्रैक्चर हुआ या फिर ओपन फ्रैक्चर है स्पाइनल इंजरीज लार्ज लेसर चन पार्शल और फुल थिकनेस बर्न यहाँ पे बर्न टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ बॉडी सरफेस पे हुआ हो या फिर फ्रैक्चर या कुछ भी हुआ तो हम उन्हें सेकेंड प्रायोरिटी देता है ठीक तो है थीके? तो उन्हें हम येल्लो बेल्ट बांधते हैं ठीक है तो थर्ड हम देखेंगे ग्रीन थर्ड प्रायोरिटी ठीक है तो उधर क्या होता है कि मिनिमम इंजरी एक्म्प्लिस बाई सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन वेट सेवरल आवर्स फॉर ट्रीटमेंट क्लोज फ्रैक्चर माइनर बर्न माइनर लेसरशन स्प्राइन्स ये सब ये सब आते हैं ग्रीन में थर्ड प्रायोरिटी ठीक है मीन्स वो फोर टू फाइव फाइव आवर्स तक वेट कर सकता है ठीक है तो उसे हम ग्रीन बेल्ट देते हैं एंड लास्ट में आता है ब्लैक डाइंग और डेड ठीक है जो इंसान डाई दा, मीन्स मरने ही वाला है तो उसे हम ब्लैक बेल्ट देते हैं होपलेस इंजर्ड पेशेंट और डेड विक्टिम क्रशिंग इंजरी टू हेड और चेस्ट ठीक है हेड या चेस्ट पे इंजरी होती है तो वुड नॉट सर्वे अंडर द बेस्ट ऑफ सरकम हम उसे जितनी भी ट्रीटमेंट देते दे हैं पर वो बचने वाला नहीं है ठीक है तो उसे हम ब्लैक बेल्ट देते हैं तो आगे हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अ कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स सो प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर कोई भी डेंजर या थ्रेट हो तो उसे हम प्रिवेंट करना चाहिए देन रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्सिटी और कॉन्सिक्वेंसिस देन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रिपेरेंस टू डील विद एनी डिजास्टर ठीक है कोई भी डिजास्टर हो तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ठीक है देन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर असेसिंग द दिव्यिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी डिजास्टर देन इवेकुलेशन रेस्क्यू एंड रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ठीक है तो अब देखेंगे डिजास्टर प्रिपेरेंस तो प्लानिंग है ट्रेनिंग एजुकेशन एक्सरसाइज इक्विपमेंट सप्लाई कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल स्पेशल इक्विपमेंट ये सब आते हैं प्रिपेरेंस में ठीक है देन प्लानिंग में आते हैं आइडेंटिफाई हज़ार्स ठीक है आइडेंटिफाई रिस्क फ्रॉम हज़ार्स दैन गैदर इंटरेस्ट ग्रुप राइट द प्लान राइट प्रोसीजर देन एजुकेशन ऑफ प्लान प्रैक्टिस एंड टेस्ट प्लान ये सब आते हैं प्लानिंग फॉर डिजास्टर प्रिपेरेंस फिर आते हैं टी आस प्रिपेरेंस में क्या क्या आता है तो हमें उसे प्रिवेंशन करना चाहिए ठीक है साइकोलॉजी का सपोर्ट देना चाहिए रिस्पॉन्स देन रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन ये सब आते हैं प्रीपेरेंस में ठीक है अब हम देखेंगे आ, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स टू कैरिएट आउट है तो इवाकुलेशन ऑफ द रिंग दैन एडॉप स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन दैन कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्स दैन डेवलप पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम दैन कोर्डिनेट इन्फॉर्मेशन विथ न्यूज मीडिया देन डिजास्टर सिमुल एक्सरसाइज ये सब आते हैं प्रिपेरेंड डिजास्टर में ठीक है देन हमें क्या मिस रिस्पॉन्स क्या अगर देते हैं हम ठीक है तो मास्क कॉलकुलेशन सर्च एंड रेस्क्यू इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सिक्योरिंग फूड एंड वाटर देन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो ये सब आते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स में अब हम जानेंगे डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में रिस्पॉन्स में क्या क्या करना चाहिए तो हमें उसे फूड वाटर शेल्टर हेल्थ केयर सब प्रोवाइड करना चाहिए दें डीयर ओनली लास्ट थ्री डेज आफ्टर थ्री डेज आउटसाइड हेल्प शुड अराइव कम्फर्ट एंड सर्वाइव विल डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ प्रिपेरेंस देन रिस्पॉन्स टू ह्यूमिटी ठीक है देन डिजास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स तो इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड देन फील्ड केयर ट्राइच टैगिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेट ये सब हम इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स में करते हैं देन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स ठीक है पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स और मेडिकल में क्या क्या करते हैं हम तो प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी में हम लिंकेज टू गवर्नमेंट कमांड सिस्टम एक्सटर्नल मेडिकल सर्विसेज देन रेस्क्यू टीम ठीक है देन असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ रिसोर्सेज देन टेम्परेरी फील्ड ट्रीटमेंट दैन फूड सेफ्टी एंड वाटर सेफ्टी देन एनिमल कंट्रोल वैक्टर कंट्रोल फिर कम्युनिकेशन डिजीज कंट्रोल में हम क्या कौन कौन सी डिजीज कंट्रोल करते हैं मिजल्स ए आर आई मलेरिया डायरल डिजीज माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा देन वेस्ट मैनेजमेंट में टेम्परेरी लैट्रिंस केमिकल टॉयलेट्स डैमेज एक्सेट्रा सो दैट्स इट गाइज दिस इज ऑल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट आई होप यू ऑल कॉट इट इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर यू वल लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल Nursing Association for Medical and Paramedical Lectures and Notes. Okay, we will be back with another lecture. Till then, be happy, stay home, stay safe. Do like, leave a comment, and share with your friends.